अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है लाइव शो बॉबी। अच्छा, खान सर के ये फैन हैं और ये टीचर हैं, ये मैट्रिक इंटर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बच्चा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने इनकी वीडियो भी देखी थी, बड़ी वायरल हुई है। ये आपका इंस्पिरेशन कौन है, किससे इतना इंस्पिरेशन लेते हो यार? कोई आपका फेवरेट टीचर है? हाँ, खान सर, उन्हें मैं अपना बहुत बड़ा आदर्श भी मानता हूँ और उनसे ये निवेदन भी करता हूँ कि मुझसे एक बार जरूर मिले, क्योंकि उनके नाम पे मेरा नाम तो पड़ गया है, पर असल जिंदगी में मैंने अभी इनको लोग आजकल छोटा खान सर कहते हैं, देखा तक नहीं है। देखा नहीं उनको? हाँ, अभी तक नहीं देखा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम आपकी खान सर से बात करा दें तो कैसा होगा? हमको बहुत अच्छा लगेगा। कितना अच्छा? बहुत 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 अच्छा। तो लगाएं फोन खान सर को, ट्राई मार के देखें। मैंने इसलिए आज फोन रखा है साथ में, ट्राई करते हैं, बात करें। क्या बोलेंगे आप खान सर से? यही कि वो मुझसे एक बार जरूर मिले और मेरा सपना जो है वो IIT क्रैक करते हुए साइंटिस्ट बनना है। तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि मुझे साइंटिस्ट बनने में मेरी मदद करें। अच्छा, यही बोलोगे आप खान सर को? हाँ। अब पता नहीं, देखिए खान सर उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। फोन तो हम लगा दिए उनको। हाँ सर, नमस्कार सर, विवेक सर। नमस्कार, नमस्कार। आपका एक फेवरेट स्टूडेंट, आपका एक शिष्य हमारे साथ बैठा है, बॉबी राज। अच्छा, कहाँ पे आप? क्या? हाँ, ये बड़ा भारत शो में आए बॉबी राज, हमारे साथ पटना से हैं ये, और 3री क्लास में 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। बढ़िया बढ़िया, ये इतने उम्र में बड़े बिजनेस शो में भी चले गए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बड़ा भारत शो में आज आए हैं और ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपको आदर्श मानते हैं, अभी शो में आपके बारे में बता रहे थे, आपने आज फोन भी उठा लिया, देखिए भाई चांस। बढ़िया है, आजकल के बच्चे देखिए भारत का भविष्य सुधर रहा है, छोटे बच्चे इतना आगे जाए, बड़ा खुशी होती है सुन के। जी जी, आप बात करना चाहेंगे बॉबी से? जरूर जरूर। लो बॉबी, बात करो। प्रणाम सर। अरे खुश रहो बाबू, खुश रहो, बहुत आगे जाओ, पूरा आशीर्वाद मेरा एकदम, बहुत आगे जाओ, मन लगा के मेहनत करो ऐसे ही। यस सर। सर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ बताइए बाबू। सर, मेरा सपना है साइंटिस्ट बनने का, क्या आप मेरे साइंटिस्ट बनने का सपना में साकार करने में मेरी मदद करेंगे? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, क्यों नहीं बाबू, ऐसे साइंटिस्ट बनिए और देश का नाम एकदम आगे रोशन कीजिए, हम लोग को भी बहुत खुशी होगी जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो। यस सर। बहुत आगे जाइए, हम लोग से जितना हेल्प होगा हम लोग आपकी करेंगे, ठीक है? यस सर। पूछो, खान सर मिलने का टाइम देंगे आपको? सर, आप हमसे खान मिलने का टाइम देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पढ़ने वाले लड़कों को बहुत पसंद करते हैं और इसमें ना एकदम कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, साइंटिस्ट बनना आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोग भी हिम्मती लड़के हो। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जोरदार खान सर के लिए तालियां, कम ऑन, खान सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। जनाब, ये थे छोटे खान सर। आपने कभी इनकी पहले वीडियो देखी थी? नहीं, बस आप बाद में मिली थी, तो उससे पहले का ये मामला थे, इससे पहले ये वायरल हुए थे काफ़ी। बच्चा ये 1 साल पुराना इंटरव्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में बड़े बड़े मैट्रिक इंटर वालों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्टूल पे खड़े हो के, और मतलब अभी भी गद्दियों के नीचे बैठे हैं, अभी भी इतने छोटे हैं। हाँ। कि सोफे के नीचे कुछ चीज़ें रखी गई ताकि वो निकल के बाहर आए। यार, इस उम्र में इस इतना टैलेंट कैसे, मतलब क्या खा के बच्चे को मतलब बड़ा किया, जन्म दिया? नहीं, मैं ये बोलूँगी कि मतलब दुनिया में मैंने सुना है कि 3-4 लोग इस तरह के होते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार। कितनों में से? ये तो नहीं मालूम कितनों में से, लेकिन सुना है कि यार दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनका कुछ हर चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब। तो इसका मतलब है कि फिर कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कुछ परसेंट में से 2-4 बिल्कुल सुन भी होते होंगे, ऐसे भी कुछ होते होंगे, है ना? बिल्कुल ही एक अनडायरेक्टली मुझे, अनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं यार। आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है यार, आपके साथ ले देखे, क्या बोल रहे थे आप यार, वो क्या थी जो इंग्लिश में आप बोल रहे थे? आई क्वेश्चन व्हाई, इससे कुछ सीखो, बच्चे से कुछ सीखो। बच्चा इंग्लिश थोड़ी बोल रहा था, भले नहीं बोल रहा था, हिंदी और बड़ी, लेकिन मेरी तो अच्छा बिहार में नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी उर्दू भी खराब हो गई है, आपके साथ रह रही बता रही हूँ।
चलो कुछ तो इंग्लिश तो इंग्लिश तो छोड़ो, उर्दू भी खराब हो रही है। इंग्लिश तो छोड़ो यार, अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी। उर्दू तो खराब ना कर यार, क्या कर रहा है यार तू पापा। खैर बहरहाल बच्चे इस उम्र में मतलब वाकई इनके माँ बाप और किस तरीके से। अच्छा जहाँ ये बच्चों को पढ़ाते थे इनके माँ बाप भी टीचर थे, तो अपने घर में बच्चों को पढ़ाते थे, तो इसने पता नहीं पढ़ाई देखी पढ़ाना देखा क्या इस बच्चे के जहन में कुदरत थी, गॉड गिफ्टेड कहेंगे कि ये मैट्रिक वाले बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं भाई, मतलब कमाल कमाल। और मतलब इनके एम देखें कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं ये खान सर, अच्छा छोटा खान सर इनको बोलने लग गए, छोटा खान सर के इनके दोस्त हैं, किनके, विवेक बिंद्रा के, विवेक बिंद्रा के शो में आ भी चुके हैं, संदीप महेश्वरी के शो में भी आ चुके हैं, कपिल शर्मा पे भी आ चुके हैं खान सर। कपिल शर्मा भी आ चुके हैं। तो खान सर की क्या बात है, और खान सर बिहार से हैं ये, तो इस वजह से खान सर के साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा आपको हैरत हो रही है, मतलब जिस कॉन्फिडेंस से बच्चा बात कर रहा है, इसकी इनके पढ़ाने की वीडियो तो आप कमेंट्स करेंगे तो हम ज़रूर देखेंगे, तो इनका बात करना है इतने बड़े शो में ये बैठे हैं जहाँ पे, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बैठा हुआ है, कुछ के नीचे बैठा हुआ है, और मतलब क्या जी 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 सर जी आप मुझसे मिलोगे ना, और मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यार ये है, मैं खान सर की तारीफ करूँगी कि देखो अब उन्होंने जैसे कहा कि मुझे पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है ना, और मतलब जैसे कि अब वो इतना मतलब उनको पूरी इंडिया क्या मतलब दुनिया में काफ़ी लोग जानते हैं, मतलब ईगो आज लोगों में आता है ना कि यार मैं क्यों मिलूं इतना सा बच्चा है, उससे मिलूं, उसके लिए टाइम निकालूं मैं, ये नहीं नहीं खान सर तो बिल्कुल मलंग आदमी है, बिल्कुल सादे आदमी है, बिल्कुल सिंपल है यार उनका जो, मैं तो खान सर की पढ़ाई सारी चीजें अपनी जगह, मैं तो मुस्कुराने का फैन हूं। किस तरीके से बात करके मुस्कुरा रहे थे, जैसे चाय के होटल पे नॉर्मल बंदा बैठा होता है, एक आम इंसान, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं। इनकी जो रक्षाबंधन की जो आता है एक सेरेमनी इनके यहाँ होती है, वो कमाल की होती है, क्या कुछ चीज़ों का अरेंज नहीं करते, ये हर चीज़ का अरेंज करते हैं, किस तरीके से लोग लड़कियाँ यूँ समझ लें कि कितनी आवाम कितनी जनता जो है इनको यूँ समझ लो कि मानते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं खान सर से। और इस तरह के अगर बच्चे इंडिया में मौजूद हैं, एक दो बच्चे और भी हैं, काफ़ी बच्चे हैं, इनके इंटरव्यू सुने, उनकी बातें सुनी, एक चंद्रयान के बारे में इतना जानता था, मैं काफ़ी टाइम से इनको फॉलो करता हूँ, मैं चंद्रयान ये है, लूनर ये है, मतलब को चंद्रयान क्या है, कितना उसका वजन, मतलब हर चीज़ उनको पता है यार, छोटा बच्चा छठी सातवीं में, छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल के 8 साल के, मतलब कमाल यार कमाल। एजुकेशन लेवल इंडिया में बहुत आगे है, एजुकेशन का रुझान है। अच्छा बिहार में ना, अच्छा मुख्तलिफ इलाके ना उनके अलग अलग नेचर है, बिल्कुल ऐसा ही बिहार में IPS IAS UPS इस तरह बनने का रुझान है बिहार में, और मैंने ये सुना है पाकिस्तान में भी, कराची में भी, बिहार के लोग कैलकुलेशन में बिहारी, हिसाब किताब में, तो इस चीज़ में गॉड गिफ्टेड है ये। तो खान सर भी बिहार से, पाकिस्तान में भी बिहारी कम्युनिटी बहुत है, कहते हैं कि बड़े ज़हीन होते हैं हिसाब किताब में, याद रखने में। दूसरी चीज़ में कहने लगा था कि खान सर जैसे हैं या और कोई हैं तो मतलब एजुकेशन, अच्छा हाँ बिहार में जैसे इस तरह की जॉब वाला माइंड, कौन सा वाला माइंड, जॉब वाला जॉब वाला माइंड है, पढ़ाई करके IPS यानी ऑफिसर बनना, अफसर, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप दो मतलब 20 नहीं 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 ऐसा वाला माइंड नहीं, बड़ी डिग्री सरकारी ऑफिसर, बिल्कुल वो यानी हुकूमत को जो चलाते वाले ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर की वीडियो देखी थी, इस तरह के ऑफिसर बनने का रुझान बिहार में, गुजरात में बिजनेस करने का रुझान है, मतलब हर राज्य का अपना अपना एक सिस्टम है, हर राज्य की अपनी अपनी नेचर है, मारवाड़ी जैसे हैं, गुजराती जैसे हैं, यहाँ पे अपना अपना कारोबार किया जाता है, वहाँ पे सरकारी अफसर बनने का शौक होता है, तो एक अलग 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 रुझान होते हैं लोगों के। खैर बहरहाल आपकी किसी से है मुलाकात बिहारी वालों से, इसे मतलब सुना है कहीं पर ये लोग हिसाब किताब में, बैंक, मैंने बैंक में सुना है कि बैंक में ज़्यादातर बिहार होते हैं, अच्छा बिहारी, हाँ वो जो है ना मिजान बैंक, तो उसमें एक बंदा तो वो बिहार, तो खैर अच्छी बातचीत हो गई, तो उसने बताया था उसने। अच्छा तो खैर बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर अगर इंडिया का ये है तो इंडिया कहाँ होगा, बिल्कुल दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।